हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफ स्टडी में। दोस्तों यहां पर स्क्रूटनी से रिलेटेड और साथ में दोस्तों बैक्स स्टूडेंट से रिलेटेड और साथ में दिए थर्ड सेमेस्टर के जितने भी साथी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, ठीक है, उनकी एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर बात यह है कि परीक्षा नियामक ने स्क्रूटनी के संबंध में जो आदेश जारी कर दिया है उससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि संभवतः 5 अप्रैल तक जो स्क्रूटनी का परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जारी करने की संभावना 5 अप्रैल तक है और 5 अप्रैल तक जारी भी कर दिया जाएगा स्क्रूटनी का रिजल्ट। बात करते हैं यहाँ पर कि जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो बैक प्रशिक्षु हैं, ठीक है ना, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और उन्हीं के साथ जो सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षु हैं उनकी जो परीक्षा होने वाली है उनकी तिथि जो घोषित होने वाली थी वो 7 से 10 अप्रैल के बीच में घोषित की जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। 7 से 10 अप्रैल के बीच में घोषित की जाएगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और बैक जो प्रशिक्षु हैं उनका एग्ज़ाम, ठीक है ना। उनके एग्ज़ाम की जो तिथि है वो 7 से 10 अप्रैल के बीच घोषित कर दी जाएगी। साथ में संभवतः 5 अप्रैल तक जो परिणाम है वो जारी कर दिए जाएंगे स्क्रूटनी के। परीक्षा नियामक ने स्क्रूटनी के संबंध में आदेश जारी किया था वो भी आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, 7 तारीख से 10 तारीख और 5 तारीख तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट और 7 से 10 अप्रैल के मध्य तृतीय सेमेस्टर और बैक वाले प्रशिक्षु जो हैं उनकी परीक्षा की डेट जो है वो घोषित कर दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। साथ में आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। सारी की सारी आप लोग तैयारी, अगर एक भी सब्जेक्ट की तैयारी में कोई भी कमी है तो आप उसको तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, ठीक है ना। तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ी सी जानकारी थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि अभी भी कमेंट्स काफ़ी लोग करते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा और कब तक हमारा डेट शीट आएगी। तो दोस्तों उसी के ऊपर ये वीडियो था, ठीक है, कम समय में जानकारी, इच्छित जानकारी मिली आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।